मुरादपुर में 3 दिवसीय सीताराम धुनी यज्ञ शुरू। वीरपुर प्रखंड के जगदर पंचायत के मुरादपुर गांव के वार्ड नंबर 11 में सोमवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 3 दिवसीय सीताराम धुनी यज्ञ का शुभारंभ हुआ। यज्ञ मंडप को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। उक्त 3 दिवसीय सीताराम रामधुनी यज्ञ शुरू होने से मुरादपुर समेत आसपास के गांव में भक्तिमय का वातावरण बना हुआ है। विभिन्न गांव से कीर्तन मंडली यज्ञ मंडप पर पहुंचने लगे हैं। गायत्री मिशन परिवार द्वारा दीप यज्ञ सह परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित। सोमवार को वीरपुर प्रखंड के नौला गांव के वार्ड नंबर 16 में मिशन गायत्री परिवार के द्वारा दीप यज्ञ सह परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मिशन के वंदना गीत से शुरू हुआ। इसमें मिशन से जुड़े गायत्री परिवार के मुख्य प्रवचन कर्ता जयशंकर ने परिचर्चा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गायत्री माता हमें सद्बुद्धि प्रदान करती है, गायत्री मंत्र जीवन जीने की कला सिखाती है। लोक कल्याण पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा में रखा। उन्होंने कहा कि मनुष्य का दुख का कारण अज्ञानता है। उन्होंने उपस्थिति लोगों से गायत्री मंत्र का जाप करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा है कि गायत्री मंत्र के जाप से शांति व सुख का अनुभूति मिलती है। परिचर्चा में गायत्री परिवार के सुबोध कुमार, अनिल प्रसाद, मंटुन पासवान, राम यतन बोतार आदि ने अपनी बातों को भी रखा। मौके पर नीरू कुमारी समेत कई गायत्री परिवार के कई सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में कुल 51 दीप प्रज्वलित किए गए। बनता नहीं है, आप आइए इस यज्ञ में, और इस यज्ञ में जिस दीपक में गायत्री महामंत्र की आहुति दी जाएगी, एक दीपक आप अपने घर ले जाएंगे और आपके घर की परिस्थिति ठीक होने लगेगी। आज तक कोई ऐसी समस्या और यज्ञ से दूर न होता हो, कोई ऐसी समस्या नहीं, चाहे समस्या व्यक्तिगत हो, चाहे समस्या पारिवारिक हो, चाहे समस्या पड़ोसी का हो, चाहे समस्या बेटी की शादी का हो, चाहे समस्या बच्चों को पढ़ाने की हो, चाहे समस्या घर बनाने की हो, आपकी समस्या कोई भी हो सकती है, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान है गायत्री महामंत्र का जप और यज्ञ। आयु उसी जप और यज्ञ का एक छोटा सा कार्यक्रम वहां रखा गया है रामकृष्ण बाबू के यहाँ।